स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्यादा रहस्य और रोमांचित करने वाली कहानी। आज हम सुनेंगे कि कैसे मां भगवती स्वयं प्रकट होकर दर्शन देती है अपने भक्त को और क्या क्या मां परीक्षा लेती है अपने उस भक्त से। इस कहानी के लेखक है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी हमारी रहस्यमय और डरावनी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो अपना 2 सेकंड का टाइम निकाल के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो वो फ्री है पर हमको उससे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने का। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं हमारी इस रहस्यमय कहानी की ओर। सन 1965 ईस्वी काशी का लाली घाट शुरू से ही मेरे चिंतन मनन का स्थान रहा है। लाली घाट बगल के हरिश्चंद्र घाट के महाश्मशान में चट चट कर जलती हुई चिताएं, गंगा की अविरल स्वच्छ धारा, निर्भ्र आकाश, पंख फैलाए उड़ते हुए पक्षी, दूर क्षितिज पर बादलों की रक्ताभ लंबी रेखाएं, घड़ियालों की मधुर ध्वनियाएं, मंदिरों से निकलने वाले सुवासित गंध, वातावरण में फैली हुई नीरवता एक आध्यात्मिक सृष्टि करती थी मेरे मन मस्तिष्क में और तब डूब जाता था मैं चिंतन मनन के अगाध सागर में। पिछले 20-25 दिनों से नित्य काला मटमैला और कई जगह से फटा पुराना कंबल ओढ़े, सिर झुकाए मौन साधे एक अतिवृद्ध व्यक्ति को घाट की टूटी फूटी और धूल से अटी सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखता था मैं। पैरों पर मैल की परतें जमी थीं, हाथ भी गंदे थे, पीले पड़ गए थे हाथ पैर के नाखून, मटमैली फटी पुरानी धोती, आपस में उलझे हुए सिर के बड़े बड़े बाल और वैसी ही दाढ़ी भी। एक बार अचानक उस रहस्यमय व्यक्ति का चेहरा देखने को मिल गया। लालिमा लिए तेजस्वी चेहरा और बड़ी बड़ी रक्ताभ आंखें देखकर स्तब्ध रह गया था मैं एक बारगी। वह कोई दिव्य साधक पुरुष था इसमें संदेह नहीं, फिर भी वह कौन है? यह इच्छा जागृत हुई मुझ में एक दिन। थोड़ा सा सरक कर उसके निकट चला गया और धीरे से पूछा, बाबा कौन है आप, कहां से आए हैं आप? मेरा प्रश्न सुनकर उस रहस्यमय वृद्ध ने धीरे से कंबल हटाया और सिर घुमाकर मेरी ओर देखा अपनी धधकती हुई लाल लाल आंखों से। हे भगवान, कैसी थी वे आंखें, गहरी तमाम रहस्यों से भरी और आग के शोले उगलती हुई, लेकिन साथ ही निर्विकार और भावहीन। वैसी आंखें जीवन में कभी नहीं देखी थी मैंने, कभी नहीं। किसी अज्ञात भाव से प्रकंपित हो उठा मेरा मन प्राण और रोमांचित हो आया मेरा पूरा शरीर। कुछ देर तक अपलक देखने के बाद लड़खड़ाते और भर्राए स्वर में बोला, वह वृद्ध क्या करोगे मेरे विषय में जानकर? बस समझ लो, एक असफल असहाय और अर्थहीन देवी भक्त हूं मैं। वृद्ध की वाणी में दर्द था, कोई गहरा दर्द और कोई गहरी वेदना। थोड़ा रुककर आकाश की ओर शून्य में न जाने क्या खोजता हुआ वृद्ध आगे बोला, कहीं कोई लगाव नहीं है, मृत्यु की प्रतीक्षा में शरीर का बोझ ढो रहा हूं मैं। कब किस समय शरीर छूट जाए और छूटकर कब सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए अपने आप गंगा में विलीन हो जाए, और यही सोचकर यहां आता हूं और बैठता हूं नित्य। हे मां कल्याण कर, लंबी सांस लेकर अंत में कहा उस वृद्ध ने। सहानुभूति से भर उठा मेरा मन, विहल हो उठी मेरी आत्मा। पास ही एक लड़का खड़ा था, शायद मल्लाह था वह, नाम था कल्लू। कल्लू ने बतलाया कि बाबा घाट के नीचे बनी मढ़िया में रहते हैं, दिन भर मढ़िया में पड़े रहते हैं, कब सोते हैं कब जागते हैं और क्या खाते पीते हैं कोई नहीं जानता, कभी किसी को कुछ देते हुए भी किसी ने नहीं देखा है आज तक। रात के सन्नाटे में कभी कदामा मां कहकर चिल्लाते हुए अवश्य सुना है आसपास के लोगों ने। कुछ सोचते हुए कल्लू आगे बोला, एक रात जब मैं अपनी नाव में सो रहा था अचानक न जाने कैसे मेरी नींद उछट गई, आंखें मलते हुए इधर उधर देखने लगा। उस समय मड़िया में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, आश्चर्य हुआ मुझे। इसके पहले तो हमेशा रात के अंधेरे में डूबी रहती थी मड़िया, आज क्या बात है समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा नाव आगे बढ़ाकर देखा तो देखता ही रह गया बाबूजी। क्या देखा बोल, मैंने कहा। इधर उधर देखकर कल्लू बोला, उस हल्की पीली रोशनी में एक छोटी सी लड़की अपने हाथ से रोटी खिला रही थी बाबा को। वह लड़की बहुत सुंदर थी, उम्र ज्यादा नहीं थी, बस रही होगी यही 10-12 साल की, मगर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने थी वह। फिर क्या हुआ
व्यग्र हो उठा मैं एक बारगी। हुआ क्या, बाबूजी फक से रोशनी बुझ गई थोड़ी ही देर में और वह लड़की न जाने कहां गायब हो गई अंधेरे में। इतना कहकर चुप हो गया कल्लू। यह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये समझते देर न लगी मुझे। निश्चय ही यह मां भगवती का अनन्य साधक है, इसमें संदेह नहीं। मेरा मन न जाने क्यों पहले से अधिक विगलित हो उठा और हो उठा आद्र भी। धीरे से करुण स्वर में बोला, बाबा आपको पिछले कई दिनों से यहां बैठते हुए देख रहा हूं। मैं भी मां का एक साधारण सा साधक हूं और यही कारण है कि आपकी पीड़ा क्या है, आपकी वेदना क्या है और आपकी व्यथा क्या है उसे समझ रही है मेरी आत्मा। आपकी क्या सेवा करूं, क्या सहायता करूं और क्या सहयोग दूं अपना समझकर, बतलाइए मुझे बाबा। जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे आप? बाबा कुछ बोले नहीं, पहले की ही तरह सिर झुकाए और मौन साधे बैठे रहे चुपचाप। थोड़ी देर बाद उठे और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर मढ़िया के भीतर चले गए। वह जमीन पर पुआल रखा था, उसी पर अपना फटा कंबल बिछाकर लेट गए, शायद सोइए गए। ये सोचकर वापस लौटने लगा और लौटते समय कल्लू को 10 का नोट थमाते हुए बाबा का बराबर ख्याल रखने के लिए कहा। उस दिन पूरी रात सो न सका मैं। बार बार तंद्रिल अवस्था में बाबा का विषण भावहीन मनस्वी चेहरा घूम जाता था मानस पटल पर और बार बार यह प्रश्न भी उठता था मन में, आखिर कौन है यह वृद्ध व्यक्ति? साधक है, सिद्ध है, महात्मा है या फिर कोई सिद्ध योगी? वह बालिका कौन थी? क्या रोज रोटी खिलाने आती है वह? जितना ये सब सोचता उतना ही गहराता जाता रहस्य। सवेरे से ही बरसने लगा पानी, पूरे दिन बरसता ही रहा। दूसरे दिन भी घने बादलों से अटा रहा आकाश, हल्की हल्की झड़ी लगी रही बारिश की। मन नहीं माना, मां दुर्गा का दर्शन करने चला गया पैदल ही। छाता था मगर भींगने से भला कौन बचा सकता था। लौटते समय फिसल गया पैर, गिर पड़ा, कमर में गहरा दर्द होने लगा। किसी तरह मां मां पुकारते हुए घर पहुंचा। पहले तो पत्नी की डांट खाई, दो चार दिन घर में बैठा नहीं जाता, घूमने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, आपको थोड़ा सा मौका मिला कि चल पड़े दर्शन के बहाने। मुंह बाएं, सुनता रहा फटकार। गीला कपड़ा उतार कर बैठ गया बिस्तर पर। दर्द बढ़ गया था अब, फिर प्रवचन शुरू हो गया। दर्द हो रहा है ना, होगा ही, लाओ बाम लगा हूं। बाम मलने के बाद गर्म दूध में हल्दी डालकर ले आई पत्नी। प्रेम पूर्वक सिर सहलाते हुए धीरे से बोली, पी लो, आराम मिलेगा। मेरी डांट फटकार का बुरा मत माना करो, आप तो जानते ही हैं कि आपको कुछ हो जाता है तो मेरा कलेजा बैठने लगता है, कुछ फिर सूझता ही नहीं, न जाने क्या क्या बोल जाती हूं। आप नहीं समझते कि मैं आपको कितना कितना बस बस कितना कि आगे तुम क्या कहना चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो, वह जानता हूं मैं। क्या बतलाइए? प्रेम, यही ना? अच्छा, अब चाय बनाकर ला, तुम्हारे हाथ की बनी चाय बाकी दर्द को भी दूर कर देगी। चाय पीते समय बाबा के विषय में पत्नी को बतलाया मैंने। सुनकर बोली, मैं भी चलूंगी दर्शन करने बाबा का, निश्चय ही वे कोई महात्मा होंगे, मेरी आत्मा कह रही है। कब जाएंगे आप? मैं कोई उत्तर दूं कि उसी समय कल्लू आ गया और आते ही बोला, आपकी पत्नी का नाम किरण शर्मा है ना? हां, क्यों, क्या बात है कल्लू? कल्लू ने मेरी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, भाभी जी को साथ लेकर बुलाया है बाबा ने। यह सुनकर आश्चर्य हुआ मुझे, पत्नी का नाम कैसे जानते हैं बाबा? किस लिए बुलाया है पत्नी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, संभव है कोई बात हो। सायंकाल पत्नी को लेकर गया मैं बाबा से मिलने। बूंदाबांदी के कारण मढ़िया में लेटे हुए थे बाबा। हम दोनों को देखकर उठ गए वह, भाव विहल हो उठी मेरी पत्नी, चरण स्पर्श कर देखने लगी मूकवत बाबा की ओर। थोड़ा हैरान हुआ मैं, कभी बाबा को देखता तो कभी पत्नी को। सिर झुकाए बैठे थे बाबा कुछ देर तक और फिर उसी अवस्था में किरण से बोले, मां जब कभी तेरा बेटा किसी बात को लेकर जिसे आप नहीं चाहती मचलता है, जिद करता है और हट पर उतर आता है तो क्या करती हो तुम उस समय? सकुचाती हुई किरण ने उत्तर दिया, बहुत झुंझलाती हूं बाबा, गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी मार भी देती हूं बेटे को। फिर क्या होता है? बाबा थोड़ा मुस्कराए, मन को बड़ा कष्ट होता है बाबा, पछताने लगती हूं फिर क्यों मारा बेटे को, रहा नहीं जाता, मां का हृदय है ना, गोद में ले लेती हूं बाबा उसे और सजल हो उठती है आंखें फिर। यह सुनकर कुछ बोले नहीं बाबा, बस एक तक देखने लगे मेरी ओर। इस बीच न जाने क्या क्या सोच गया मैं। ये सब कहने सुनने का तात्पर्य क्या था?
काफी देर बाद सिर उठाकर मेरी ओर देखते हुए बाबा कहने लगे, समझ में आया कुछ, मां महामाया की लीला विचित्र है। वह आपको जो देना चाहती है वह आप लेना नहीं चाहते, और जो आप लेना चाहते हैं वह मां देना नहीं चाहती आपको। जो कुछ आपके लिए आवश्यक है वही आपको देगी मां। मांग कर तो देखे, कैसे नहीं देती वह। अज्ञानतावश हट करते हैं, जिद करते हैं और फिर हाथ पैर पटकते हुए मचलते हैं, दोष देते हैं मां को। यह देखकर मां परेशान होती है, झुंझलाती है, क्रोध आने पर किसी न किसी रूप में दंड भी दे देती है। जैसे आप गए थे मां का दर्शन करने के लिए और गिर गए फिसलकर, कमर में चोट लगी, दर्द होने लगा, उसके बाद क्या हुआ आप स्वयं जानते हैं। ये सब सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गया मैं, मुंह बाएं देखने लगा बाबा को। किस प्रकार मां महामाया के कौतुक को और उनकी रहस्यमयी लीला को समझाया था बाबा ने। हिल उठी मेरी आत्मा एक बारगी, सिर घुमाकर पत्नी की ओर देखा, वह आश्चर्यचकित थी। अंतर्यामी है बाबा, निश्चय ही कोई उच्च कोटि के साधक हैं वह। धीरे धीरे बाबा का पूरा रहस्य जान गया मैं। सचमुच बाबा की जीवन कथा विलक्षण थी और थी अति रहस्यमय। बाबा का नाम था पंडित शंभुरत्न। पंडित शंभुरत्न मां दुर्गा के परम भक्त और साधक थे। उनकी जीवन कथा यहां से शुरू करता हूं मैं, जो अपने आप में मां दुर्गा की उपासना साधना का एक ज्वलंत उदाहरण है। जीवन लाल गौतम और उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रावती गौतम को काफी पूजा पाठ मान मनौतियों के बाद एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसके मस्तक पर त्रिशूल का स्पष्ट चिन्ह था। माता पिता ने उस शिशु का नाम रखा गौतम अंबिकाचरण। अंबिकाचरण अध्यात्म प्राण थे, बाल्यावस्था में ही संसार से विरक्त हो गए थे वह। पूजा पाठ साधना उपासना आदि में ही अधिक समय व्यतीत होता था उनका। गृहस्थाश्रम के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे वह, इसलिए चित्रकूट के अनसुईया आश्रम के परमहंसी बाबा से दीक्षा ले ली उन्होंने। गुरु की अहेतु की कृपा से वासिद्धि प्राप्त हुई उनको। वे जो बोल देते थे और जो कह देते थे वह तत्काल प्रतिफलित हो जाता था। 1917 में अंबिकाचरण चित्रकूट से जबलपुर चले आए और अपनी सिद्धियों के द्वारा जन कल्याण करने लगे। फिर उस साधक को प्रसिद्ध होते देर न लगी। उस समय जबलपुर का इतना विस्तार नहीं हुआ था। उस समय कचपुरा का महाश्मशान काफी विस्तृत और अत्यंत भयानक था। इतना भयानक था कि दिन में भी उधर जाने से लोग डरते थे। श्मशान के बगल में एक काफी पुराना वटवृक्ष था, जिसके जड़ों में पचासों बांबियां थी सांपों की। कहा नहीं जा सकता कब और किस काल में काले पत्थर की बनी भगवती की एक विलक्षण मूर्ति अचानक पाताल फोड़कर प्रकट हुई वहां मां महामाया की। वह पाषाण प्रतिमा अत्यंत सजीव और जागृत थी, इसमें संदेह नहीं। अंबिकाचरण ने उसी स्थान पर एक मढ़िया का निर्माण कराया और उसी में रहकर भगवती की उसी मूर्ति की पूजा उपासना करने लगे। फिर तो भगवती के दर्शन करने के निमित्त वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगते देर न लगी। लोग मां का दर्शन करते और अंबिकाचरण का आशीर्वाद लेते और लौट जाते प्रसन्न चित्त। जैसा कि मैंने कहा, काफी लंबा चौड़ा श्मशान था वह। हर समय चटचट कर चिताएं जलती रहती थीं वहां। कभी कभी प्रत्यक्ष घूमती और टहलती हुई दिखलाई दे जाती थी श्मशान में प्रेतात्माएं। श्मशान के किनारे से रेल की लाइन गई हुई थी। ट्रेन में बैठे लोग आंखें फाड़कर श्मशान को देखते और फिर मढ़िया को देखते, जहां अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती और जहां के आध्यात्मिक वातावरण में सदैव गूंजा करता था जय मां जय भवानी और जय जगदम्बे का मधुर कोमल स्वर। होलिका दहन हो चुकी थी, चैत्र का महीना था, बासंती बयार में झूम झूम उठते थे आमों के वृक्ष। एक दिन दोपहर का समय था, दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी। अपने साधना कक्ष में लीन थे अंबिकाचरण और तभी मढ़िया के सामने एक तांगा आकर रुका। शुभचिंतक प्रेस के मैनेजर उमाशंकर अग्निहोत्री एक अन्य व्यक्ति के साथ उतरे। उमाशंकर अग्निहोत्री भगवती भक्त थे, प्रत्येक मंगलवार को आते थे और मां की पूजा अर्चना किया करते थे। अग्निहोत्री जी सरल और मधु स्वभाव के प्रौढ़ व्यक्ति थे, उनसे काफी स्नेह रखते थे अंबिकाचरण। तांगे के रुकने की आवाज सुनकर अपने आसन से उठकर मढ़िया के बाहर आ गए अंबिकाचरण। भक्तिभाव से नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया अग्निहोत्री जी ने और अपने साथ आए व्यक्ति का परिचय दिया। महाराज, ये पंडित शंभुरत्न जी हैं, काशी से चलकर आपका दर्शन करने आए हैं। अंबिकाचरण ने स्थिर दृष्टि से पंडित शंभुरत्न को देखा।
वे लगभग 50 वर्ष के सुदर्शन पुरुष थे। आयु का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा था। गौर वर्ण, ऊंचा ललाट, लंबे कान, लंबी नासिका, बड़े बड़े भौराले नेत्र, घने घुंघराले बाल, शरीर पर गैरिक वस्त्र, पैर में खड़ाऊं, हाथ में एक झोला बस। पंडित शंभू रत्न का दमकता हुआ तेजस्वी मुखमंडल देखकर अंबिकाचरण क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए थे। फिर वे हाथ जोड़कर बोले, पधारिये महाराज, मां भगवती के दरबार में आपका स्वागत है। पंडित शंभू रत्न हाथ जोड़कर मुस्कराए। वटवृक्ष के नीचे बिछे तख्त पर बैठते हुए अग्निहोत्री ने कहा, शंभू रत्न जी, एक भारी संकल्प लेकर मां भगवती के दरबार में आए हैं गौतम जी। कैसा संकल्प? उत्सुक होकर पूछा गौतम जी ने। इस बार पंडित शंभू रत्न बड़ी गुरु गंभीर वाणी में बोले, आज अश्विन मास की चतुर्दशी है ना? हां गौतम, अंबिकाचरण ने उत्तर दिया, कल से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। पंडित शंभू रत्न ने सिर हिलाकर कहा, पिछले 14 वर्ष से काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में भगवती की साधना कर रहा हूं मैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, गौतम अंबिकाचरण ने विनम्र भाव से कहा, हम भी मां के एक अकिंचन साधक हैं, लेकिन हमारी साधना अब भी अधूरी है गौतम जी। शंभू रत्न ने गंभीर स्वर में कहा, हमने वहां प्रतिज्ञा की थी कि यदि मां भगवती हमको साक्षात दर्शन देंगी तो हम कमल पूजा करेंगे। क्या? गौतम अंबिकाचरण चौंक कर बोले, क्या कह रहे हैं आप, कमल पूजा? जी हां। शंभू रत्न बोले, कमल पूजा के निमित्त मैं मां के चरणों में अपना सिर काटकर अर्पित कर दूंगा। पिछली नवरात्रि में हम जब दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, उस समय एक रात स्वप्न में मां का आदेश हुआ कि अगली नवरात्रि में तुम जबलपुर जाना। वहां मैं स्वयं पाषाण रूप में प्रकट हुई हूं, उस स्थान पर मेरी आराधना करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगी। काशी में कैसे प्रकट हो सकती हूं? काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यही कारण है कि हम यहां आए हैं। उसी समय जबलपुर के दो प्रख्यात साधक पंडित शंकरलाल भट्ट और पंडित बाबूलाल शर्मा वहां आ गए। वे लोग भी नवरात्रि साधना में जुटे हुए थे और उसकी तैयारी कर रहे थे। उन्हें गौतम अंबिकाचरण ने पंडित शंभू रत्न का संकल्प बतलाया तो वे लोग भी आश्चर्यचकित भाव से उनकी ओर देखने लगे। उमाशंकर अग्निहोत्री पूर्व परिचित थे पंडित शंभू रत्न महाशय से। जब वे उनको लेने स्टेशन पहुंचे तो वहां उनका आदेश हुआ सीधे मढ़िया चलने के लिए। गौतम अंबिकाचरण असमंजस में पड़े थे। वे बोले, आपने अच्छा किया अग्निहोत्री जी, लेकिन पंडित शंभू रत्न जी को मैं ये बतला देना चाहता हूं कि मैं दीर्घ काल से मां की विधिवत पूजा उपासना कर रहा हूं, लेकिन अभी तक दर्शन लाभ उनका नहीं हुआ मुझे। शंभू रत्न मुस्कुराए लेकिन बोले, कुछ नहीं, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। गौतम अंबिकाचरण स्वयं ही फिर बोले, आप जब आ ही गए हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप यहीं पर पूर्ण करें। आपके आगमन से हम सब लोग प्रसन्न हैं, संकल्प तो हम पूर्ण करेंगे ही। पंडित शंभू रत्न दृढ़ता से बोले, और यदि मां ने यहां भी मुझे दर्शन नहीं दिया तो उन्हीं के तलवार से अपनी गर्दन काटकर हम उनके चरणों में अर्पित कर देंगे, मां महामाया की इच्छा। गौतम अंबिकाचरण ने एक लंबी और गहरी उच्चवास के साथ कहा, भट्टजी, पंडित शंभू रत्न जी का आसन हवन कुंड के समीप लगा दीजिए और ये जो वस्तु चाहें उसकी व्यवस्था भी कर दीजिए। उस रात गौतम अंबिकाचरण सो न सके ठीक से, बार बार उनकी नींद उचट जाती थी। उनको लग रहा था कि कदाचित उनकी मढ़िया के अंतिम दिन आ गए हैं। काशी का यह हट्ठी ब्राह्मण आज के 10वें दिन जब अपने हाथों से ही अपना शीश काटकर मां भगवती के चरणों में अर्पित कर देगा तब क्या होगा? भगवती की मूर्ति के सम्मुख पंडित शंभू रत्न का रक्त रंजित मुंड होगा और चारों ओर फैला होगा रक्त ही रक्त। टहलका मच जाएगा पूरे नगर में तब, और फिर जबलपुर का शहर कोतवाल चंद्रशेखर तिवारी आएगा और उन्हें गिरफ्तार कर ले जाएगा कोतवाली थाने में। फिर देवी की मढ़िया की कितनी बदनामी होगी। इसकी कल्पना मात्र से गौतम अंबिकाचरण को रोमांच हो आया। दूसरे दिन नवरात्रि शुरू होने वाली थी। मढ़िया को विशेष रूप से सुसज्जित कर दिया गया था। मुख्य द्वार पर तोरण बांध दिया गया था। त्रिशूल मां के साथ ही आविर्भूत विशाल खड्ग और पूजन पात्रों को चमका दिया गया था। या देवी सर्वभूता नाम तस्या जगरात्रि संयमी का पाठ शुरू हो चुका था। शक्ति से भरपूर आध्यात्मिक वातावरण सुगंधित द्रव्यों की मनभावन सुगंध से भर गया था। 5 फुट गहरे और 10 फुट लंबे चौड़े विशाल हवन कुंड के निकट पंडित शंभू रत्न
पूरे ललाट पर चंदन का प्रलेप किए, लाल सिंदूर का गोल टीका लगाए, भगवती की स्वयंभू पाषाण प्रतिमा के सम्मुख बैठे दुर्गा सप्तशती का भ्रामरी स्वर में पाठ कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे, शरीर तना हुआ था, चेहरे पर तेज था। पंडित शंभुरत्न प्रातः 4 बजे ही उठ गए थे और अब तक 8 पाठ कर चुके थे। 101 पाठ और शेष रह गए थे जो उनके संकल्प के अनुसार नवीन दिन पूर्ण होने थे। किसी भी निष्णात पंडित को दुर्गा सप्तशती का एक पाठ करने में साधारणतः 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन पंडित शंभुरत्न तो दिन के 9 बजे तक 8 पाठ पूरा कर चुके थे। एक पाठ पूरा करने में उन्हें आधा घंटा भी नहीं लगा था। अधिक लगता भी, कैसे उस महान साधक को पूरा पाठ ही कंठस्थ था। तंत्र के विलक्षण ग्रंथ शक्ति संगम तंत्र में स्पष्ट लिखा है कि जो साधक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का 108 पाठ करता है, उस पर महाशक्ति दुर्गा की असीम कृपा होती है और वे स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन देकर साधक को आशीर्वाद प्रदान करती है। उसी सत्य को साकार करने में लगा था वह साधक। पंडित शंभुलाल भट्ट चिंतातुर होकर शंभुरत्न की ओर अपलक देख रहे थे, लेकिन पंडित शंभुरत्न नेत्र बंद किए पाठ में लीन थे। उनकी उपस्थिति का ज्ञान उन्हें नहीं था। उसी समय गौतम अंबिकाचरण वहां आ गए तो शंकरलाल भट्ट ने फुसफुसाकर उनसे कहा, 8 पाठ पूरे हो चुके हैं अब तक। क्या? गौतम अंबिकाचरण ने चौंक कर पूछा। भट्ट जी ने वैसे ही फुसफुसाकर कहा, ये तो महान साधक झांत होते हैं, लगता है 108 पाठ पूरा करने में इन्हें 5 दिन भी नहीं लगेंगे। हे भगवान, हे महामाया! गौतम अंबिकाचरण ने ठंडी सांस लेकर कहा, जो भी हो भट्ट जी, क्या भगवती इस हठी साधक को दर्शन देंगी? भट्ट जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने केवल अपना हाथ ऊपर उठा दिया। लगभग वैसी ही स्थिति बाबूलाल शर्मा की भी थी। वे गौतम अंबिकाचरण के परम शिष्यों में से थे और मढ़िया से उन्हें भी प्रबल मोह था। वे मन ही मन उस घड़ी को कोस रहे थे जब उमाशंकर अग्निहोत्री शंभुरत्न को लेकर गौतम अंबिकाचरण के पास आए थे। यह विचार भी उनके मन में उठ रहा था कि ये शंभुरत्न पागल वागल तो नहीं है जो अपने जीवन का इस तरह अंत करना चाहते हैं। तीसरे दिन जब पंडित शंभुरत्न दुर्गा सप्तशती के 35 पाठ कर चुके तो गौतम अंबिकाचरण का माथा ठनका, शंभुरत्न के पास पहुंचे वह। शंभुरत्न उस समय दूध और फल ग्रहण कर रहे थे, 36वें पाठ की तैयारी कर रहे थे अब। आइए गौतम जी, उन्होंने दूध का खाली गिलास रखते हुए कहा। गौतम अंबिकाचरण उनके पास ही बैठकर बोले, दुर्गा सप्तशती का पाठ किस पद्धति से करते हैं? मैं कुंजिका स्तोत्र के बाद सीधे पाठ शुरू कर देता हूं, शंभुरत्न ने बतलाया। सुनकर गौतम जी की आंखें चमक उठीं। वे बोले, पंडित जी, यह तो सर्वथा अशुद्ध पद्धति है। वह कैसे? शंभुरत्न ने चौंक कर पूछा। हठ योग की साधना पद्धति का आरंभ कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्रों से होता है शंभुरत्न जी, गौतम जी बोले। कुंजिका पाठ तो अंत में किया जाता है। यह सुनकर एक बारगी हतप्रभ हो गए। पंडित शंभुरत्न महाशय स्याह पड़ गया उनका चेहरा, लेकिन गौतम अंबिकाचरण का चेहरा चमक उठा प्रसन्नता से। उनकी मढ़िया में होने वाली नरबली टल गई थी। अब न 108 पाठ पूरे होंगे समय पर और न शंभुरत्न देवी के दर्शन न होने पर अपना शीश अर्पित करेंगे। सामने खड़ी भगवती को और करुण दृष्टि से देखते हुए पंडित शंभुरत्न हताश भाव से बोले, आप निश्चिंत रहिए गौतमी जी, विश्वास रखिए, दुर्गा सप्तशती का 108 पाठ समय पर पूर्ण कर लूंगा मैं। मैं भी यही चाहता हूं कि आपका संकल्प मां महामाया पूर्ण करे। गौतम जी ने कहा, जब मुझे पता चला कि आप अशुद्ध पाठ कर रहे हैं तो सोचा आपकी त्रुटि परिमार्जित कर दें, किंतु शंभुरत्न ने जिस द्रुतगति से पुनः पाठ आरंभ किया उससे गौतम अंबिकाचरण पुनः विचलित हो उठे। वैसे भी अशुद्ध पाठ नहीं कर रहे थे पंडित शंभुरत्न जी, कुंजिका स्तोत्र से भी पाठ शुरू होता है, लेकिन गौतम जी पंडित बाबूलाल शर्मा और शंकरलाल भट्ट मढ़िया पर छा रहे अनिष्ट के बादल को हटाने के लिए शंभुरत्न की साधना खंडित कर देना चाहते थे मिलकर, लेकिन इसका परिणाम प्रतिकूल ही हुआ। पहले एक पाठ समाप्त हो जाने के बाद पलाहार कर लेते थे पंडित शंभुरत्न, किंतु तीसरे दिन प्रातःकाल से ही आधी रात तक भगवती की प्रतिमा के सामने बैठे निरंतर पाठ करते रहे पंडित शंभुरत्न। इस बीच जल भी ग्रहण नहीं किया उन्होंने। उस रात 18 पाठ पूरे कर लिए,
और इस तरह अपनी खंडित साधना का लगभग आधा भाग उन्होंने एक ही दिन रात में पूरा कर लिया। उसके बाद वे केवल 2 घंटे सोए और फिर 4 बजे प्रातःकाल उठकर स्नान कर पुनः पाठ करने बैठे गए महाशय। अब तक पूरे जबलपुर शहर में पंडित शंभुरत्न के संबंध में खबर फैल चुकी थी। उनके दर्शन के लिए नित्य भीड़ लगने लगी। देवी का तो दर्शन कम, लेकिन उनका दर्शन अधिक लोग करने आते। फूल मिठाइयां, नारियल का अंबार लगने लगा। 8वें दिन हवन शुरू हो गया। हवन सामग्री की सुगंध मढ़िया और उसके बाहर की वातावरण में फैलने लगी। स्वाहा स्वाहा की गूंज से वायुमंडल मुखरित हो रहा था। 9वें दिन प्रातःकाल जब पूर्णाहुति हुई तो गौतम अंबिकाचरण शंभुरत्न के पास आए। शंभुरत्न उस समय नेत्र बंद किए पाठ करने में लीन थे। कितने पाठ हो गए पंडित जी? गौतम जी ने आतुरता से पूछा, लेकिन शंभुरत्न ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पाठ में निमग्न रहे। केवल हाथ की उंगली से उन्होंने उन काले कमलगट्टों की तरफ इशारा कर दिया जो पास ही बिखरे हुए थे। प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर शंभुरत्न एक कमलगट्टा प्रतिमा के सामने रख देते थे। धड़कते दिल से उन कमलगट्टों को अंबिकाचरण ने गिना। वे 99 थे। उनका दिल बैठने लगा। मन ही मन सोचने लगे वह, आज रात उनकी प्रख्यात मढ़िया वधस्थल बन जाएगी एक साधक की। उस समय मढ़िया में कन्या भोजन कराया जा रहा था। बाबूलाल शर्मा और शंकरलाल भट्ट उसी में व्यस्त थे। गौतम अंबिकाचरण जाकर उन लोगों से धीरे से बोले, 100वां पाठ कर रहे हैं इस समय शंभुरत्न जी। आज रात पाठ पूरा हो जाएगा, फिर मां के प्रकट होने की प्रतीक्षा करेंगे शंभुरत्न जी, और जब देवी प्रकट नहीं होगी तो वे पुलिस को अभी खबर क्यों न कर दें? बाबूलाल शर्मा ने अपना सुझाव दिया। अंबिकाचरण ने कुछ सोचते कहा, पुलिस शंभुरत्न को गिरफ्तार कर लेगी तो पूरे शहर में टहलका मच जाएगा और मेरी मढ़िया की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। फिर भट्टा जी ने पूछा, मैंने अब सब कुछ मां महामाया पर छोड़ दिया है, उसकी जो इच्छा होगी वही होगा। निश्चित समय के अंदर 108 पाठ पूरा कर लिया शंभुरत्न ने। वे उस समय बड़े ही कमजोर और शिथिल नजर आ रहे थे। संकल्प पूरा हो जाने पर उनकी आत्मा तृप्त थी। तख्त पर तन कर बैठे हुए थे वे, और तभी उनके पास अंबिकाचरण जी आए। वे एक थाली में व्यंजन ले आए थे। वे बोले, लीजिए महाराज, ग्रहण करिए, आज मेरा व्रत है गौतम जी। शंभुरत्न बोले, यह तो मां भगवती का प्रसाद है। गौतम जी बोले, आप ग्रहण नहीं करेंगे तो मां का अनादर होगा। बड़ी अनिच्छा से पंडित शंभुरत्न ने थाली में से एक केला उठाकर खा लिया, फिर आंखें बंद कर लेट गए तख्त पर। न जाने कितनी देर तक सोते रहे पंडित शंभुरत्न। निरंतर जागरण के बाद आक्रमण कर दिया था निद्रा ने उन पर। मां भगवती की आरती होने लगी तो चौंक कर उठ बैठे वह। उस समय सायंकाल के 5 बजने वाले थे। उन्होंने चटपट स्नान किया, नए वस्त्र पहने और जाकर बैठ गए मां भगवती के सामने वह। उस समय अंबिकाचरण मढ़िया में नहीं थे, श्मशान में जाकर बैठे थे वह और अपना सिर धुन रहे थे कि उसी समय एक टूटी हुई समाधि के पास अंधेरे में कोई नजर आया। वे रुक कर बोले, कौन? मैं हूं शंकरलाल भट्ट, उत्तर मिला। आप यहां बैठे हैं और वहां आपकी खोज हो रही है, क्यों? गौतम जी भयभीत स्वर में बोले, पुलिस आ गई क्या? नहीं। भट्ट जी हंसकर बोले, पंडित शंभुरत्न का पाठ तो पूरा हो चुका है। मां भगवती के सामने मौन साधे निर्विकार भाव से बैठे हैं और मां का विशाल खड्ग अपने पास रख लिया है। तब तो आप वहीं रहें भट्टा जी, अंबिकाचरण ने कहा और किसी भी प्रकार उन्हें रोके। रात के 11 बज रहे थे। नवरात्रि की अंतिम रात थी वह। चारों ओर घोर सन्नाटा छाया हुआ था। मढ़िया में दर्शनार्थियों का आना जाना बंद हो गया था। टन टन कर 12 का घंटा बजा। उसी समय एक गौरांग वदना अति सुंदर युवती मढ़िया के भीतर आई। चौड़े लाल किनारे की रेशमी साड़ी पहने थी वह। उसके घने काले बाल खुलकर पीठ पर बिखरे हुए थे। मांग में लाल सिंदूर की पतली रेखा थी। चौड़े ललाट पर लाल सिंदूर का गोल टीका था। गले में स्वर्णहार पहने थी वह। कलाइयों में शंख के साथ लाल चूड़ियां थीं। उस षोडशवर्षीय युवती ने एक बार मुस्कुराकर भगवती की भव्य मूर्ति की ओर देखा और फिर पलटकर कटाक्ष कर मुस्कुराई पाषाणवत बैठे शंभुरत्न महाशय की ओर देखकर। काफी देर तक उसी मुद्रा में देखती रही वह रहस्यमयी युवती उस साधक की ओर। एकाएक ध्यान भंग हुआ पंडित शंभुरत्न का।
आंखें खोलकर उस रहस्यमयी युवती की ओर देखा और देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे एक बारगी। उन्हें लगा कि अंबिकाचरण ने उस युवती को उनका व्रत भंग करने के लिए उनके पास भेजा था। वे बोले, कुछ नहीं। अब नेत्र बंद कर जोर जोर से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने लगे वह, लेकिन वे अधिक समय तक अपनी आंखें बंद रख न सके। वाणी भी लड़खड़ाने लगी। क्या हो गया उन्हें? अब तक वह युवती उनके बिल्कुल निकट आ चुकी थी और जमीन पर पैर पटक पटक जोर जोर से पायल बजाने लगी। मढ़िया में सन्नाटा था। नवरात्रि का कोलाहल समाप्त हो चुका था। शंभुरत्न की क्रोध से आंखें लाल हो रही थीं उस अज्ञात नवयौवना को देखकर। सामने रखा जल भरा लोटा उठाकर फेंका उन्होंने उस युवती की तरफ। झनझनाकर गिर पड़ा लोटा जमीन पर। फिर भी वह युवती वहां से नहीं हटी। शंभुरत्न ने देखा, युवती उन्हीं की तख्त पर आकर बैठ गई और फिर मुस्कराते हुए उनकी ओर देखने लगी। शंभुरत्न ने मां को प्रणाम किया और उनके मुख से निकला, ओम नमः भगवती। तब तक वह युवती उनके बिस्तर पर उनकी ही ऊनी शाल ओढ़कर लेट गई थी। यह देखकर क्रोध से कांपने लगे शंभुरत्न। वे यह भूल गए कि पाठ पूरे हो गए थे और मां भगवती अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। वे यह भी भूल ये थे कि संकल्प के अनुसार अब उन्हें अपना शीश काटकर देवी को अर्पित कर देना चाहिए। नीच वेश्या पापिनी शंभुरत्न ने गालियां बकना शुरू कर दिया। मैं जानता हूं कि मेरा संकल्प खंडित करने के लिए तुझे किसने भेजा है। अगर मुझे यह पता होता कि यह मढ़िया व्यभिचार का अड्डा है तो मैं काशी से चलकर यहां कदापि नहीं आता। और तभी शंकरलाल भट्ट मढ़िया में घुसे और वे क्रोध से कांपते गालियां देते शंभुरत्न को देखकर हतप्रभ हो गए। बोले, क्या हुआ पंडित जी? देखो साले की बदमाशी, मेरी साधना नष्ट करने के लिए उसने मेरे पास एक वेश्या को भेजा। कहकर उन्होंने तख्त की ओर उंगली से इशारा किया। भट्ट जी ने भी देखा, तख्त पर शाल ओढ़े कोई लेटा हुआ था और सांस लेने से सीना ऊपर नीचे हो रहा था। तभी गौतम जी और उनके साथ बहुत सारे लोग मढ़िया में पहुंच गए। वे देखने आए थे कि भगवती ने शंभुरत्न को दर्शन दिया अथवा शंभुरत्न ने अपना सिर काटकर देवी को कर दिया अर्पित। शंभुरत्न गौतम अंबिकाचरण को देखते ही उन्हें गालियां देने लगे। फिर उन्होंने तख्त की ओर इशारा करके पूछा, क्या इसी तरह साधना करते हो? यह कौन है तुम्हारी बेटी या बहन? कहां कौन है महाराज? गौतम जी चकित और परेशान होकर बोले, देख अपनी आंखों से देख अपनी बेटी बहन को, वह तख्त पर लेटी है सिर ढांक कर। गौतम जी ने तख्त की तरफ देखा। सचमुच तख्त पर शाल ओढ़े कोई लेटा हुआ था। मैंने तो किसी औरत को नहीं भेजा महाराज, गौतम जी बोले। मढ़िया में तो हर समय औरत मर्द दर्शन करने आते जाते ही हैं, तो फिर अपनी आंखों से ही देख कि यह कौन है। कहते हुए शंभुरत्न ने तख्त पर लेटी हुई युवती के ऊपर से शाल खींच दी। लेकिन यह देखकर स्वयं शंभुरत्न आश्चर्यचकित रह गए कि तख्त पर युवती नहीं थी। वहां खिला हुआ एक ताजा कमल का फूल था जिसे थोड़ी देर पहले मां के चरणों में अर्पित किया था शंभुरत्न ने। सभी लोग शंभुरत्न का मुंह देखने लगे। शंभुरत्न की हालत दयनीय हो रही थी। कमल का फूल उठाकर मस्तक पर लगाया और रोने लगे हिलक हिलक कर। और उसी अवस्था में उस रहस्यमयी युवती के रूप रंग का रुख रुक कर करने लगे वर्णन, जिसे सुनकर सभी लोग अवाक और स्तब्ध रह गए। मुंह से एक ही बात निकली, मां भगवती साकार रूप में यहां आई थी। लेकिन शंभुरत्न पहचान न सके उस परम शक्ति के साकार रूप को। शंभुरत्न की स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। लोगों ने देखा, मां भगवती के सामने अपना सिर जोर जोर से पटकने लगे। सिर फटते देर न लगी। रक्तरंजित हो उठे मां भगवती के चरण। वे चीख चीख कर कहते जा रहे थे, हाय मां, आप मुझे दर्शन देने आई और दुर्भाग्यवश मैं आपको पहचान न सका। कितना पापी और कृतघ्न हूं मैं, आपको बुरा भला कहा और कितनी दी गाली भी। क्या करूं मां, बोलो मां क्या करूं? अब इस शरीर को रखने से लाभ ही क्या, जीवन को समाप्त कर दूंगा मां। अब तक काफी खून निकलकर फैल गया था, चारों तरफ बेहोश हो गए थे अब शंभुरत्न। उनको उठाकर तख्त पर लिटा दिया गया। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग यही कहते थे, चमत्कार हो गया मां, भगवती दर्शन देने के लिए प्रकट हुई, पर शंभुरत्न उनको पहचान न सके। चैतन्य होने पर अपना सुधबुद्ध खो बैठे हमेशा के लिए शंभुरत्न। वे रुके नहीं, फिर जबलपुर से काशी लौट आए पैदल ही चलकर। यह घटना 16 अक्टूबर 1952 की है।
बनारस में एक सुपरिचित रहते थे, भूतपूर्व कलेक्टर स्वर्गीय देवी प्रसाद जी शुक्ल। उन्होंने अपनत्ववश मेरी एक पुस्तक स्वयं प्रकाशित की थी, जिसका नाम था मरणोत्तर जीवन का रहस्य। कहने की आवश्यकता नहीं, शंभुरत्न की यह कथा मुझे श्री शुक्ल जी ने ही सुनाई थी, मुझसे रहा न गया। मैं स्वयं 1972 में जबलपुर गया और अपने मित्र श्री शरद मोजरकर जी के साथ मां भगवती का दर्शन करने गया। निश्चय ही मां भगवती की पाषाण प्रतिमा सजीव और जागृत लगी मुझे। मां का दर्शन तो अवश्य हुआ, लेकिन गौतम अंबिका चरण जी का नहीं, वे गोलोकवासी हो चुके थे। जब मैंने ये सारी विलक्षण कथा अपने गुरुदेव डॉक्टर गोपीनाथ जी को सुनाई तो वे बोले, हठयोग मार्ग की साधना में ध्यान का अभाव होता है, शंभुरत्न में ध्यान का पूर्ण अभाव था और इसीलिए वे पहचान न सके मां भगवती को। दोस्तों, ये कथा यहां समाप्त हो गई है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखें। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।